से यूज हो रहा था आईडी, आईडी हम किसी का यूज नहीं करेंगे आपसे, सब अपना अपना लोकेशन पर जाना, अपना अपना अपडेट करना। जैसे ही गुड स्कैन में होगा कुछ नहीं, गुड स्कैन में तुम कुछ भी करोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अबाइड स्कैन में कुछ भी करोगे तो इफेक्ट आएगा, सौ का सीधा बात है। इसलिए जो भी करना है गुड स्कैन में करना, फेक स्कैन कभी मत मारना। अभी मान लिए ठीक है मेरे पास 15 दिन 20 दिन समय है, तो इतना दिन में दो आईडी हम रिकवर कर लेंगे दोनों का आईडी बना के, अब ठीक है अगर बंद हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सब अपना अपना जो पैकेट लेके जा रहा है देख लेना कि मेरा इतना पैकेट में डीएसआर 96.5 कितना में हो जाएगा, पिकअप लेके जा रहा है उसमें देख लेना 96.5 कितना में हो जाएगा। डीपीओडी के लिए किसी को बोलना ही नहीं पड़ता, सब अपना अपना कार घुसरते रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गुड स्कैन 100% करना, गुड स्कैन का यही है कि मैप खोल के ही देना, घर मत जान देना कि मालिक का गारंट देखेंगे जाके दे देते हैं, बस उसका लोकेशन खोल के उसके घर पे जाना, लोकेशन जरूर इधर उधर करेगा भागेगा। मेन चीज है गुड स्कैन, गुड स्कैन पर तुम कोई भी स्कैन करोगे कभी कोई एस्केलेशन ही नहीं आएगा, कस्टमर बोलेगा लेंगे उसके घर पर जाकर कैंसिल कर दो तो उसका एस्केलेशन आएगा ही। डीपीएमओ आया समझ जाओ कि ये दिक्कत हुआ, कस्टमर कंप्लेन किया है। इसीलिए चार जो चीज को तुम पकड़ लो, गुड स्कैन, डीपीएमओ, डीएसआर, पीएसआर, डीपीओडी कर ही लेते हो तुम लोग, ये सब चीज कर लिया ना कभी आईडी बंद नहीं होगा, ना ही स्ट्राइक वन स्ट्राइक टू स्ट्राइक थ्री कभी नहीं जाएगा। डीपीओडी का कभी कभी डाल देते हैं, डीपीओडी का डाल देंगे हम, आज डाल देंगे, इतना चीज समझ लेना, इतना चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत है किसी को कोई समझने में? नहीं ना, बस गुड स्कैन पे सारा स्कैन करना, एक स्कैन मत मारना कोई।